हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंटिंग सीखो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे ऑडिटिंग टेक्निक्स के बारे में कि ऑडिट की क्या टेक्निक्स होती हैं। इसमें हम इसकी मीनिंग और इसकी डिफिनीशन को समझेंगे, साथ ही कौन कौन सी मेन टेक्निक्स होती हैं उसको भी एक एक करके इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। इससे पहले भी मैंने ऑडिटिंग की और भी बहुत सी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। आज के इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरी ज़रूर देखें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आगे की और भी इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और जानते हैं कि ऑडिटिंग टेक्निक्स क्या होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस को एक सिस्टम के थ्रू रिकॉर्ड किया जाता है, और रिकॉर्ड करने में कभी कभी कुछ गलतियां भी हो जाती हैं। इसमें तो कुछ गलतियां अनजाने में होती हैं और कुछ जानबूझकर की जाती हैं। अब इसके लिए ये जो ऑडिट टेक्निक्स होती हैं, जिसे हम ऑडिटिंग टेक्निक्स भी कहते हैं, वो इन सारी गलतियों को फाइंड आउट करने, उन्हें पकड़ने या फिर उनका पता लगाने में एक ऑडिटर की हेल्प करती हैं। और यह एक ऑडिटर की हेल्प कैसे करती हैं? जब ऑडिटर ऑडिटिंग का काम करता है तो वह ऑडिटिंग के सारे एविडेंस को कलेक्ट करता है और उन्हें चेक करता है। एविडेंस का मतलब होता है कोई प्रूफ या कोई प्रमाण जिसके बेसिस पर एंट्रीज की जाती हैं। यह एविडेंस ऑडिटर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए एक ऑडिटर को ऑडिटिंग के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनकी जानकारी के साथ साथ उनकी प्रोसेस और टेक्निक्स के बारे में भी जानना चाहिए, ताकि अकाउंट्स को चेक करने या जाँच करने का काम आसानी से किया जा सके। अब अगर हम बात करें इसकी डिफिनीशन की, ऑडिट टेक्निक्स स्टैंड फॉर द मेथड्स That are adopted by an auditor to obtain evidence. Various techniques of auditing to be applied by the auditor under different circumstances. यानी ऑडिटिंग टेक्निक्स का आशय उन मेथड्स या उन तरीकों से होता है जिनकी हेल्प से एक ऑडिटर ऑडिटिंग करते वक्त एविडेंस को कलेक्ट करता है। ऑडिटिंग करते वक्त एक ऑडिटर के द्वारा अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग टेक्निक्स अपनाई जाती हैं। ऑडिटिंग टेक्निक्स की एक और छोटी सी डिफिनीशन यह है कि द मेथड ऑफ कलेक्टिंग एविडेंस इज कॉल्ड ऑडिट टेक्निक। जिस तरीके से ट्रांजैक्शंस के लिए एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं वह तरीका व टेक्निक ऑडिट टेक्निक कहलाती है। तो अब मुझे लगता है कि ऑडिटिंग टेक्निक्स के बारे में आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी मेन टेक्निक्स आती हैं, यानी ऑडिटिंग की कौन कौन सी मेन टेक्निक्स हैं उसको हम एक एक करके पॉइंट्स के थ्रू लिखेंगे, फिर उसको क्लियर करेंगे। इसमें पहली टेक्निक है वेरिफिकेशन ऑफ पोस्टिंग। ऑडिटिंग की पहली टेक्निक तो यह है कि वेरिफिकेशन ऑफ पोस्टिंग, मतलब जितने भी पोस्टिंग की गई हैं उसको वेरीफाई करना, उनका सत्यापन करना कि वे सही हैं या नहीं। इसमें एक ऑडिटर जनरल से लेजर में जितनी भी पोस्टिंग की गई हैं उनके बैलेंसेज को चेक करता है। दूसरी टेक्निक है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन से मतलब यह है कि कंपनी की जो भी असेट्स हैं उनकी एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करना कि वे मौजूद है या नहीं, या फिर ऐसे ही बैलेंस शीट में दिखा दी गई हैं। बैलेंस शीट में जो भी असेट्स शो की जाती हैं, जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, इन सारी असेट्स का खुद एक ऑडिटर को वेरीफाई करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है एग्जामिनेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स। इसमें यह कंफर्म करना कि जो भी ट्रांजैक्शंस किए गए हैं वो सही हैं या नहीं, उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को चेक करना, अगर कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं तो उसके अप्रूवल को भी चेक करना। कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर एक ऑडिटर को हमेशा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को ही एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट करना चाहिए और उससे सारे अकाउंट्स को मिलाना चाहिए। यहाँ एक बात और ध्यान रखें कि सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का होना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसके बेसिस पर कोई एंट्रीज या कोई रिकॉर्ड्स का होना भी ज़रूरी है। चौथा पॉइंट है एग्जामिनेशन ऑफ सब्सिडियरी बुक्स, मतलब सब्सिडियरी बुक्स को चेक करना। अब सब्सिडियरी बुक्स क्या होती हैं? जैसा कि हम जानते हैं, बिजनेस के सभी लेन देनों को सबसे पहले हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, और जब बिजनेस धीरे धीरे बढ़ता है और फिर बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होने लगते हैं, तब यह पॉसिबल ही नहीं होता कि सभी लेन देनों को सिर्फ जर्नल में ही रिकॉर्ड किया जाए। तब जर्नल को सब जर्नल्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसे सब्सिडियरी बुक्स कहते हैं।
सब्सिडियरी बुक्स का मतलब ये होता है कि सिमिलर नेचर के सभी ट्रांजेक्शन्स को एक जगह पर रिकॉर्ड करना, जैसे कैश के सारे ट्रांजेक्शन्स के लिए कैश बुक, परचेज के लिए परचेज बुक और इसी तरह सेल्स के लिए सेल्स बुक। इसी तरह और भी अलग अलग बुक्स बनाई जाती हैं, इसे ही हम सब्सिडियरी बुक्स कहते हैं। अब जैसे कैश बुक में हमारा जो बैलेंस बचा हुआ है या जो कैश हमारे पास है उसको वेरीफाई किया जाता है, इसके लिए सेल्स बुक, परचेज बुक या और भी अलग अलग बुक्स की चेकिंग की जाती है। पांचवा पॉइंट है इंक्वायरी एंड कंफर्मेशन। यह ऑडिटिंग टेक्निक की एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। किसी भी पॉइंट पर अगर नेसेसरी हो तो लोगों से पूछताछ करना या इंक्वायरी करना या कोई कंफर्मेशन करना, चाहे वह कंपनी का कोई पर्सन हो या कोई बाहरी। एक ऑडिटर को अगर कोई भी डाउट है तो वह किसी से भी कोई भी इंक्वायरी कर सकता है। अगर कंपनी के अकाउंट्स में डेटर्स का कोई बैलेंस शो कर रहा है तो एक ऑडिटर उसे कंफर्म करने के लिए, उसके कंफर्मेशन के लिए डेटर्स से रिटर्न स्टेटमेंट भी मांग सकता है। इस तरह कंफर्मेशन वह टेक्निक होती है जो एक ऑडिटर के द्वारा यूज की जाती है ट्रांजेक्शन्स का पता लगाने के लिए कि वे करेक्ट हैं या नहीं। छठा पॉइंट है टेस्ट चेकिंग। एक कंपनी में ना जाने कितने सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं और उन सबको एक एक करके चेक करना आसान काम नहीं है। अगर एक ऑडिटर उन सारे ट्रांजेक्शन्स को एक एक करके चेक करेगा तो उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उन ट्रांजेक्शन्स को चेक करने के लिए, इसलिए इसकी टेस्ट चेकिंग की जाती है। इसमें एक ऑडिटर कुछ ट्रांजेक्शन्स को सेलेक्ट करके उन्हें चेक करता है, यानी वह यह मान कर चेक करता है कि अगर ये सही होंगे तो बाकी के भी ट्रांजेक्शन सही होंगे, यानी जिस ट्रांजेक्शन्स में या जहाँ पर उसे डाउट्स है उन्हीं ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट करके वह उन्हें चेक करता है। इसे ही हम टेस्ट चेकिंग कहते हैं, यानी जहाँ एक ही तरह के ढेर सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं और एक ऑडिटर उन सारे ट्रांजेक्शन्स को ना चेक करके उसमें से कुछ को सिलेक्ट करता है जिसमें उसे लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ी हो सकती है, तो यह जो चेकिंग की जाती है इसे ही हम टेस्ट चेकिंग कहते हैं। आगे इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिससे कि आपको यह टेस्ट चेकिंग और भी क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, यानी सातवां पॉइंट है वाउचिंग। जब ऑडिटर अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से वेरीफाई करता है, यानी जो भी ट्रांजेक्शन्स किए गए हैं वह किसी डॉक्यूमेंट्स के बेस पर ही रिकॉर्ड किए गए हैं, इस तरह वह उसे मैच करता है, तो यही प्रोसेस वाउचिंग कहलाती है। जब संस्था या किसी कंपनी में किए गए लेन देनों की जाँच उसके रिलेटेड वाउचर्स से की जाती है तो उसे वाउचिंग कहते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। इसमें मैंने आपको ऑडिटिंग टेक्निक्स की मीनिंग, इसकी डिफिनीशन और इसकी मेन टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और अगर आप यह वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन रखें ताकि आगे की और भी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक यू।